अयोध्या जय श्री राम जय श्री राम। ठीक है, बोलिए भारत माता की। भाई ये बनासकांठा की आवाज है, जरा राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर है तो आवाज तो आगे निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए? ये गुजरात की हवा पूरे देश में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? तो जरा जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अम्बे मात की, धरणीधर भगवान की, पातालेश्वर महादेव की, बनासरी पवित्र धरती की। आज के इस हमारे बनासकांठा के लोकसभा के प्रत्याशी बहन श्रीमती रेखा बहन चौधरी के नामांकन सभा में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रभारी मंत्री बलवंत सिंह जी राजपूत साहब, सांसद बाबूभाई देसाई जी, सांसद बनासकांठा पर्वत भाई पटेल जी, जिलाध्यक्ष कीर्ति सिंह जी बाघेला साहब, संगठन प्रभारी जयंती भाई कावड़िया, प्रदेश संगठन मंत्री नौकाबेन प्रजापत, राजेंद्र सिंह जी चावड़ा साहब संगठन प्रभारी, राणा भाई देसाई लोकसभा संयोजक, हरिभाई जी चौधरी पूर्व मंत्री भारत सरकार, दिनेश भाई अनावड़िया पूर्व सांसद, केसा जी चौहान साहब, अनिकेत जी ठाकर साहब, प्रवीण भाई माली साहब, मावजी भाई देसाई जी, बैरू जी दूक साहब, उपस्थित सभी मंच पर विराजमान नेतागण और मेरे सामने विराजमान इस बनासकांठा से गांव गांव ढाणी ढाणी से आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुजरात के अंदर लंबे समय से आप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात लगातार प्रगति कर रहा है। और गुजरात के भाई बहन जिस तरह से पूरे देश का नेतृत्व गुजरात कर रहा है, आप सभी को इसका स्वाभिमान और अभिमान होना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन राजनीतिक दलों को मजबूर कर दिया है जिन्होंने 70 साल से भ्रष्टाचार की राजनीति की, तुष्टिकरण की राजनीति की, जाति पात की राजनीति की। उन ऐसे राजनीतिक दलों को मजबूर कर दिया कि आज आप देख रहे हैं जिस तरह से वो राजनीतिक दल अपनी स्थिति को पहचान पाए हैं। एक वो राजनीतिक दल जिन्होंने देश में पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उनका राज होता था, आज वो छोटे छोटे दलों से समझौते करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन दलों के साथ समझौते करने को वो कांग्रेस तैयार हो रही है जिनकी राज्य में एक या दो सीट होती हैं। उनको इतना स्थिति उनकी खराब हो गई, क्योंकि उनकी स्थिति खराब इसलिए हुई थी क्या उनकी कथनी और करनी में अंतर था। वो जनता के सामने आते थे, हमेशा गरीबी हटाओ का नारा देते थे,
हमेशा वो गरीब को गरीब की गरीबी हटाने का नारा तो देते थे, लेकिन कभी उनका गरीब से वास्ता नहीं रहा, कभी गरीब से वास्ता नहीं रहा। वो किसानों की बात करते थे, किसानों के हित की बात करते थे, किसान को आगे बढ़ाने की बात करते थे, लेकिन कभी उन्होंने किसान को नजदीकी से नहीं देखा। अगर गरीब को नजदीकी से देखा है, किसान का अगर भला किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप देख रहे हो 2014 के बाद देश की स्थिति बदली है। गरीब कल्याण की योजनाएं हो या देश का विकास हो या हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हो या दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ जलवा हो, भारत का बढ़ता हुआ मान और सम्मान हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, यह देश जातिवादी से नहीं चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा, यह देश तुष्टिकरण के आधार पर भी नहीं चलेगा, यह देश संविधान के आधार पर चलेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर हमारा देश चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 80 करोड़ लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी खाद्यान्न दे रहे हैं, क्या किसी जाति को पूछते हैं क्या? किसी जाति के बारे में बात करते हैं क्या? क्या किसी धर्म के बारे में बात करते हैं क्या? हमारा समानता के आधार पर हम सोचते हैं कि 130 करोड़ भारतवासी हमारे भाई बहन हैं, उन सबका दायित्व अपने पास है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, इस देश में भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार होते थे 2014 से पहले, आपने देखा होगा हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार होते थे, गरीब कल्याण की बातें होती थी, तुष्टिकरण के आधार पर सरकारें चलती थी। आपने देखा होगा 2014 के बाद देश में कहीं एक भी कोई भ्रष्टाचार देखा है क्या? देश में कोई एक भी भ्रष्टाचार देखा है क्या? 2014 से पहले देश की स्थिति ऐसी होती थी, कोई भी बड़ा शहर होता था, भीड़ वाला इलाका होता था, कहीं आतंकवादी आते थे बम फोड़ करके चले जाते थे, कहीं रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ करके चले जाते थे। लेकिन आज आपने देखा है, कोई आतंकवादी आता है क्या? आग उठा करके देखता है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आग उठा करके देखता है क्या? क्योंकि ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई की हिम्मत नहीं कि वो आंख उठा करके देख सके, आंख उठा करके देख सके। मित्रों, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, यह देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है, 2047 तक विकसित भारत बनाने का चुनाव है। दुनिया में भारत का, भारत माँ का जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, 21वीं सदी भारत की होगी, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक आप परिवर्तन देख रहे होंगे, परिवर्तन देख रहे होंगे। किस तरह से देश के अंदर परिवर्तन हुआ है, दुनिया में अगर कहीं हमारे भारत के लोग रहते हैं, वो जाते हैं, तो उनका किस तरह से सम्मान होता है। आने वाला समय आपका है, दुनिया में भारत का डंका बोलेगा ये समय आपका है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी भी देश की यात्रा पर जाते हैं, दुनिया के लोग देखते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, पता नहीं क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। वो दुनिया के देश जो दोनों महाशक्तियों की वजह से डरते थे, आज वो कहते हैं कि हमारे ऊपर भारत का पूरी तरह से हाथ है, और वो दुनिया के सामने किस तरह से रहते हैं वो आप सभी को मालूम है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं मित्रों, यह बनासकांठा राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ है, हमारा राजस्थान और गुजरात एक ही है। मैं आज महसूस कर रहा हूं कि राजस्थान से आया हूं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं
कि मैं मेरे दूसरे घर में आया हूं, क्योंकि हमारा सीमा लगी हुई है, क्योंकि मैं मुझे पता है राजस्थान का वो जालौर बाड़मेर का हिस्सा जो पानी के लिए परेशान रहता है। मैं आपके माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब राजस्थान में पानी की किल्लत थी तो गुजरात ने नर्मदा का पानी देकर के राजस्थान के उन सूखे कंठों को पानी पिलाने का काम इस गुजरात की धरती ने किया था, गुजरात की धरती ने किया था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि गुजरात ने हमेशा 26 की 26 सीट 2014 में भी दिए, 19 में भी दिए, और आपके पड़ोसी राजस्थान ने भी 2014 में 25 और 2019 में भी 25 की 25 सीट दी है। मुझे यह भी पता है कि अब की बार भी आप 26 की 26 देने वाले हैं और राजस्थान भी 25 की 25 देने वाला है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में सभी आप आए हैं, लेकिन इस बार मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन बड़ा होगा, हर बूथ पर जीतेगा, कमल का फूल हर बूथ पर खिलेगा। और जो मेरे भाई कह रहे थे, सभी ने कहा है कि अब की बार जो जीत होगी वो 5 लाख वोटों से अधिक होगी, 5 लाख वोटों से अधिक होगी। आपको मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान की 25 सीट भी 5 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगी, 5 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगी। मुझे पता है राजस्थान की हवा इधर आती है, गुजरात की हवा उधर आती है, हमारा बहुत नजदीक का संबंध है। आप जब राजस्थान की बात करते हैं तो आपके रिश्तेदार मिलने वाले राजस्थान के अंदर हैं, और राजस्थान वालों के हम सभी के यहां भाई बहन सभी से बातचीत होती रहती है। और बनासकांठा तो बिल्कुल ऐसे मानो कि 10-20 हजार लोग डेली इधर आते हैं उधर जाते हैं, रिश्तेदारी है, रोटी बेटी का संबंध है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये जाति पाति का चुनाव नहीं है, जाति पाति का चुनाव नहीं है, यह राष्ट्रवाद का चुनाव है, यह देश का चुनाव है। आपने देखा होगा जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वो गुलामी के चिन्ह जो थे उनको मिटाने का काम किया है, और हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान के काम थे उनको माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा, चाहे हमारा सोमनाथ का मंदिर हो या महाकाल उज्जैन का मंदिर हो या हमारा राम मंदिर हो, 500 साल से भगवान राम टेंट में रहते थे। हम कांग्रेसियों से कहते थे जब हम कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस वाले पीछे जोड़ते थे तारीख नहीं बताएंगे। अरे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास की भी तारीख बता दी, उद्घाटन की भी तारीख बता दी, 22 जनवरी को उद्घाटन होगा, उनको निमंत्रण भी दे दिया, उन्होंने उस प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकराया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, उन्होंने राम का निमंत्रण ठुकराया तो कांग्रेसियों में से राम भी निकल गए, राम भी निकल गए, क्योंकि उनको कहीं भी अपना प्रत्याशी भी नहीं मिल रहा है। मैं राजस्थान की बात कहूं तो 4 जगह तो ऐसा हुआ है कि जिनको टिकट दिया वो वापिस हो गए, उन्होंने कहा कि साहब हम नहीं लड़ना चाहते, हम काय के लिए लड़े, हम नहीं लड़ना चाहते। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमको तो वैसे ही टिकट दे दिया, हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, बार बार टिकट बदल रहे हैं, क्योंकि जो राम का नहीं तो राम जी को भी पता है, जो राम के काम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। मित्रों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज आप रेखा बहन के इतने बड़े नामांकन के रूप में आप आए हैं, इनके दादाजी ने कितना बड़ा काम डेयरी को लेकर के इस क्षेत्र में किया है,
इस बनासकांठा में डेयरी का काम बड़े क्षेत्र में उन्होंने किया है। निश्चित रूप से रेखा जी आपकी सांसद बनेंगे, इस बनासकांठा का विकास भी होगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान और गुजरात का तब विशेष ख्याल रखते हैं, ये तो आपको पता है, मुझे पता है। मेरी 40-40 साल से मेरी पानी की परेशानी राजस्थान के अंदर थी। हमारी सरकार अभी 4 महीने पहले बनी है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो हमारे पानी के समझौते थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इतने बड़े समझौते थे 40 साल से नहीं हुए। कांग्रेस वाले सिर्फ बहाना बनाते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तुरंत राजस्थान के दोनों समझौते करके राजस्थान के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था की और उनको सिंचाई की व्यवस्था भी करने का काम किया है। मैं इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम जीतेंगे, लेकिन हमारी जीत जैसा मैंने कहा कि हर बूथ पर भी होगी, 5 लाख से ऊपर होगी। मुझे विश्वास है ये बनासकांठा के लोग हैं, एक बार कह देते हैं तो करके दिखाते हैं, ये मुझे विश्वास है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, 5 लाख वोटों से जिताओगे ना? अरे जिताओगे ना, तो हाथ खड़े करिए ऊपर दोनों। अरे ये पंजा मत दिखाइए, इसने तो देश को गंजा किया है। हनुमान जी की मुट्ठी, हनुमान जी की मुष्टिका बांधिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खूब खूब आभार आदरणीय मुख्यमंत्री साहब।